गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस डेज वी हैव स्टडीड अबाउट एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनलिज्म। यू हैव वेरियस प्रोफेशनलिज्म इन अवर सोसाइटी, दोज आर सर्विंग बेटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन डिफरेंट वेज। हमारे समाज में बहुत से ऐसे पर्सन ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट वेज में डिसेबल्ड चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल काउंसलर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल काउंसलर। और स्कूल काउंसलर इज अ मेंबर ऑफ एजुकेशन टीम हु प्रोवाइड वैल्यूएबल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट। ही आल्सो हेल्प देम विद देयर एकेडमिक गोल्स, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। जो स्कूल काउंसलर है वो हमारी टीम के इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर है फॉर डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो डिसेबल्ड बच्चों को डिफरेंट तरह की वैल्यूएबल सुविधाएं जो है वो अवेलेबल कराते हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। नाउ सेकंड है फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट, द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू असिस्ट एंड मैनेज चिल्ड्रन। अ फिजियोथेरेपिस्ट कंसंट्रेट इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट मसल्स, बोन्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो सेकंड है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, इनका भी रोल डिसेबल्ड बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बच्चे जो मस्कुलर डिसेबिलिटीज है, बोन्स डिसेबिलिटीज है और अदर तरह की डिसेबिलिटीज है, उनको डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज देके, डिफरेंट तरह की थेरेपी के थ्रू उन बच्चों को नॉर्मल लेवल लाने की कोशिश करते हैं। तो इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इट इज हेल्प टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रन परफॉर्म सेल्फ केयर स्किल लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, डिसेबल्ड बच्चों को अपने डेली रूटीन के जो वर्क हैं लाइक एज ईटिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, डेली रूटीन की लाइफ को उसको मैनेज करते हैं। वेल मैनेज करने के बाद लाइक एज ए नॉर्मल चिल्ड्रन वो बिहेव करें, देखने में लुक उनका नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह हो, इस बात की अपनी थेरेपी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं और टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते हैं और उसको जो है उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु इज अनेबल टू स्पीक वेल। आपने अपने सवाल में देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं हमलाना। वो क्लियर अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, शब्दों का जो उच्चारण होता है सही से नहीं बोल पाते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प टू स्टूडेंट टू गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज। जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो ऐसे बच्चों को प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम काउंसलिंग करके उनकी स्पीच थेरेपी को इम्प्रूव करते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कराते हैं ताकि वो नॉर्मल वे में सिंपल और इजी बातचीत आसानी से कर सके और उनकी जो प्रॉब्लम है जिसमें प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट रहता है, लैंग्वेज साफ नहीं आती है, इस चीज को वो दूर करके नॉर्मल वे में बच्चों को लाने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल इन अवर सोसाइटी, दे आर वर्किंग वेल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एट लास्ट वी वांट टू से थैंक्स आर प्रोफेशनल हु इज वर्किंग इन क्रिटिकल सिचुएशन विदाउट एनी स्ट्रेस।